टॉर्क का एग्जांपल है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ एक रॉड, इस स्ट्रिंग के साथ आपने एक रॉड बांध दी, ये रॉड, रॉड का जो मास है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर ऑफ मास पे है, और कितना मास है इसका एम, तो वेट कितना है एम जी, ठीक है, वेट एम जी, बनाओ डायग्राम, वेट है एम जी, क्लियर है यहां तक। आपने क्या किया, आप गए, आपने इस रस्सी को काट दिया, कट, अब क्या होगा, और इसको नहीं काटा, इसको नहीं काटा, तो ये रॉड यहां से निकलेगी और नीचे घूमेगी, ऐसे होगा, ये रॉड यहां से तो फिक्स रहेगी, ऐसे घूमेगी, जब ये रॉड ऐसे घूमेगी इसमें टॉर्क जनरेट होगा। तो क्वेश्चन है, जब आपने इसको काटा, इसे घूमना शुरू किया, काटते ही इनिशियल टॉर्क कितना था, जब आपने काटा टॉर्क एकदम जनरेट हुआ, वो टॉर्क कितना था ये बताओ, इसका एक्सिस क्या होगा रोटेशन का, ये कोना होगा, इसका एक्सिस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये देखो, क्योंकि जब ये रॉड ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो एक्सिस कहां से पास करेगा, बोर्ड के अंदर पास करेगा, ऐसे ही होगा, तो वो इसका एक्सिस है। फोर्स कितनी लग रही है, एम जी, और रॉड की लेंथ है एल, तो आधी लेंथ कितनी है, एल बाई टू, एल बाई टू, बोलो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इंटू, पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, ये स्टेप क्लियर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, आंसर ये टॉर्क है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो थोड़ी ना तो थ्योरी है, वो तो कुछ भी नहीं किया, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये पूछेगा टॉर्क है, ये टॉर्क है, टॉर्क है, इस टॉर्क से ये रॉड क्या करेगी, रोटेट करेगी, रस्सी तो मासलेस होती है हमेशा, ठीक है यहां तक। जैसे दूसरी प्रॉब्लम है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट का पॉइंट है, यहां से एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया और वो बॉडी नीचे गिर रही है एम जी वेट के साथ। क्वेश्चन है, फाइंड टॉर्क एट टाइम टी अबाउट पॉइंट ओ, ये रहा ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है टी टाइम के बाद, जब ये बॉडी गिरी थी, टी तो बढ़ेगा ही, एक्स नॉट मतलब ये डिस्टेंस एक्स नॉट है यहां से यहां तक, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स, फोर्स क्या है एम जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का इस पॉइंट से कितना है एक्स नॉट, और ये हमेशा यही रहेगा, तुम चाहे टाइम वन सेकेंड लो, टू लो, थ्री लो या फोर लो, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो आंसर टॉर्क का आंसर आ गया, आंसर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आंसर कैसे आ रहा है इसमें, ठीक है यहां तक। नहीं, एक्स नॉट डिस्टेंस से तो उसको ड्रॉप किया गया, तो फोर्स तो यही है, टॉर्क इसके अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स नॉट ही रहेगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ इफेक्ट नहीं है। जैसे अगली प्रॉब्लम है, मान लो आपके पास ये एक बॉडी है, बनाओ डायग्राम, सपोज एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, ये एफ है, ये एफ है, ये सेंटर है, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसका डिस्टेंस
जो है वो आर वन है और सेंटर से इसका डिस्टेंस आर टू है। तो एक बॉडी है जिसके ऊपर दो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और मुझे निकालना है नेट टॉर्क क्या होगा, मुझे निकालना है टोटल या नेट टॉर्क क्या होगा। देखो पहले ये बताओ इस एफ का टॉर्क क्या होगा और अबाउट सी, ये एक्सिस है, एफ इंटू आर वन है और इसका क्या होगा एफ इंटू आर टू है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, टॉर्क को निकाल ही लोगे। जब आप ये एफ लगाओगे तो ये बॉडी की टेंडेंसी कैसे घूमने की है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? तुम लगाओ धक्का, ऐसे फोर्स लगाओगे तो कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज है ना, ऐसे होगा ना, जब यहाँ फोर्स लगेगी ऊपर तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी और जो फोर्स यहां लग रही है वो बॉडी को कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। ये देखो जब ऐसे फोर्स लगेगी तो बॉडी फिर ऐसे घूमेगी तो कैसे लगाएगी, क्लॉकवाइज। दोनों की दोनों क्लॉकवाइज, तो यानी कि दोनों के दोनों टॉर्क आपस में ऐड हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और ये नेट टॉर्क आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर मैं माइनस कर देता, उसका एग्जांपल भी अभी देता हूँ मैं, पर इस बार ये दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। एक शॉर्टकट आ गया ना, अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज बॉडी पर एक्ट करती हैं और नेट टॉर्क निकालना है तो फोर्स को दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कपल। हमने कपल को सॉल्व किया, कपल मींस टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को हम कपल बोलते हैं। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस मींस ये कपल है, तो इसमें कपल सॉल्व हुआ। समझ में आ रहा है यहां तक, एक एफ ऊपर एक एफ नीचे है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, हाँ, तो इस अरेंजमेंट को कपल बोलते हैं। तो हमने कपल का टॉर्क निकाला है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर ऐसे हो जाता कि सपोज नेक्स्ट फिगर में अगर हम ऐसे दे देते, ये लो, जिसमें एक फोर्स में यहां लगाता, दूसरी फोर्स में यहां लगाता, एफ एंड एफ, और ये रहा इनका सेंटर सी और ये रहा आर एंड आर, ये कपल नहीं है। कपल हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स को बोलते हैं, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में फोर्स है, तो बोलो नेट टॉर्क क्या होता? देखो एक पॉइंट को समझो, आर इंटू एफ टॉर्क तो पता ही है, लेकिन ये फोर्स इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम खुद देखो ना, ये देखो, ये रही आपकी बॉडी, अगर फोर्स मैं यहां लगाता हूं, देखो ऐसे घूमती है, और यहां लगाता हूं ऐसे घूमती है, तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। जो काम फोर्स में नेट फोर्स करता था, नेट फोर्स क्या होती थी, ये होती थी ना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स क्या होती थी, जीरो। वो काम इसमें नेट टॉर्क कर रहा है, मतलब जो काम ऐसे फोर्स में चलता है वो काम इसमें टॉर्क में चला करेगा, नेट टॉर्क निकाला करेंगे हम। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक?